नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता योगा ट्रेनर अपने YouTube चैनल फिटनेस विद निकिता में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का सेशन हमारा रहेगा ऊपरी पीठ दर्द के लिए, यानी कि अपर बैक पेन। लोअर बैक पेन के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पीठ दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपका पुअर पोस्चर, यानी कि आपका बैठना, खड़े होना, लेटना, सही से चलना, ये तरीका सही ना हो। यहाँ तक कि आप जो लेट के उठते हो वो तरीका भी आपका सही होना चाहिए। दूसरा, मसल स्ट्रेन, मांसपेशियों में खिंचाव होना, फ्रैक्चर आना, नसें दबना और कई मुख्य कारण हो सकते हैं पीठ दर्द के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पीठ दर्द किस कारण से है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पीठ दर्द या कोई भी दर्द किस कारण से है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट करना उतना ही आसान हो जाता है। आज हम कुछ योगासन और स्ट्रेचेस करेंगे, आप उनको एज इट इज फॉलो करिएगा। हफ्ते में 3 से 4 बार करें, आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइएगा। सुखासन में बैठ के हम एक स्ट्रेच लेंगे, हाथ पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन करेंगे, सांस भरते हुए डीप ब्रीदिंग के साथ सांस खाली करते हुए वापस। दूसरा, आगे बढ़ेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच लेंगे, साइड स्ट्रेच, सांस भरते हुए होल्ड करेंगे वापस। इसी तरीके से दूसरी तरफ से करेंगे गरुड़ आसन। हाथों को सामने ले आएंगे, सीधे हाथ को उल्टे हाथ पे रखेंगे, कोनी के ऊपर कोनी, और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। होल्ड करेंगे, सांसों को खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। इसी तरीके से दूसरी तरफ से सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापस। अब हम करेंगे एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज। पैरों के बीच में हल्का सा गैप करेंगे, सांस भरते हुए सामने की तरफ धीरे धीरे। आपका माथा अब जमीन से टच होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। आप 6 से 7 राउंड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे मार्जरी आसन। इसके लिए हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। मार्जरी आसन में हम 2 वेरिएशन करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 वापस। इसी तरीके से दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 वापस। 4 से 5 बार दोनों तरफ से करेंगे।
वापस वज्रासन में आ जाएंगे। जब हमारे पैरों में गैप होता है और हमारे हाथ सामने होते हैं तो ये होता है हमारा एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज। जब हम पैरों को आपस में मिला लेंगे, घुटने आपस में मिल जाएंगे और हाथ हमारे पीछे की तरफ, ये हो गया हमारा बालासन। इसमें आप 5 से 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दस से 15 सेकेंड आप होल्ड करेंगे, आपको काफी आराम मिलेगा। नेक्स्ट हम सुखासन में आ जाएंगे। सुखासन में साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, धीरे धीरे एल्बो को नीचे ले जाएंगे, बैंड करेंगे, होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। वापस इसी तरीके से दूसरी तरफ से। वन टू थ्री फोर फाइव वापस। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, आप साइड से देख सकते हैं। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके धीरे धीरे नीचे जाएंगे, माथे को जमीन से स्पर्श करेंगे, फोल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 वापस। ये थे कुछ योगासन और स्ट्रेचेस जो आप अपनी डेली लाइफ में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको पीठ में बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं और साथ ही साथ आप सिकाई कर सकते हैं, आइसिंग कर सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें आइसिंग कब करनी है और सिकाई कब करनी है। जब आप जिम जाते हैं उसमें जो स्ट्रेन, मसल्स में जो स्ट्रेन आता है उसमें हम आइसिंग करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई खिंचाव होता है, नस दब जाती है, तो उसमें हम सिकाई करते हैं। आशा करती हूँ आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।